उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की वजह से कोई सर्जरी नहीं रुकनी चाहिए, हर सर्जरी से पहले कोरोना जांच जरूर करा लें। इसलिए ट्रूनेट मशीन दी गई है ताकि जांच जल्दी हो सके। उन्होंने इमरजेंसी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव और सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी को कोरोना के प्रति पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से पूछा कि आप कोविड मरीजों की कैसी पहचान करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग मरीज के लक्षणों और उसके ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर उसकी जांच कराते हैं। पॉजिटिव आने पर उसे तत्काल आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन व पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कृपया सामाजिक दूरी का पालन करें, नियमित साबुन से हाथ धोए, घर पर जाकर धोते हैं, एक दो मीटर की दूरी मास्क का प्रयोग। इधर उधर न छूटे, मास्क का प्रयोग करें, इसी में आपकी अपनी सुरक्षा है। इधर उधर न देखे, इधर उधर न छूटे, मास्क का प्रयोग करें, इसी में आपकी अपनी सुरक्षा है। इधर उधर न छूटे, मास्क का प्रयोग करें, इसी में आपकी अपनी सुरक्षा है। आप सभी को सूचना दिया जाता है कि जो जिस जगह पर ड्यूटी में है, मुख्यमंत्री जी के आने पर उनके पीछे पीछे भी जाएंगे। छोड़ी जगह ये लोग यही बता रहे चिकित्सालय परिसर में प्रवेश के पहले हाथ सैनिटाइज करना सुनिश्चित करें। सभी से निवेदन है कि दो गज सभी लोग से निवेदन है कि आपस में दो गज की दूरी बना के रखें। चिकित्सालय परिसर में सभी लोग से निवेदन है कि आपस में दो गज की दूरी बना के रखें। सभी लोग से निवेदन है कि दूरियां बना के रखें, दो गज की आपस में दूरी बना के रखें। चिकित्सालय प्रवेश के वक्त हाथ सैनिटाइज करके ही निवेदन है कि आपस में दो गज की दूरी हाथ धोने में सैनिटाइज करें और साबुन से धोते रहें। हमेशा मास्क का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करते वक्त ये सुनिश्चित करें कि नाक और मुंह पूर्ण रूप से ढका हो। हमेशा बाहर दो व्यक्तियों के बीच में दो गज की दूरी मेंटेन करना सुनिश्चित करें। आपस में दो गज की दूरी बना के रखें, मेरे हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें।
माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था जिला अस्पताल में, उन्होंने हमारे जिला अस्पताल में एमरजेंसी को देखा और वहाँ उन्होंने पूछा कि एमरजेंसी में आप कैसे जानोगे कि कोई सस्पेक्ट कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने बताया कि हमारा एक ट्रायज एरिया है, उस ट्रायज एरिया में विद ऑल प्रोटेक्शंस हमारे डॉक्टर्स चेक करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं। अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो बगल में ही एक हमारा आइसोलेशन वार्ड बना है, हम उसको उसमें एडमिट करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, सैंपल नेगेटिव आने पर नॉर्मल माना जाता है, पॉजिटिव आने पर आगे की कार्रवाई हम करते हैं। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि एक मशीन हम लोगों को मिली है जिला अस्पताल के लिए ट्रू नेट, जिससे कि कोविड सस्पेक्ट की जांच बहुत जल्दी हो जाती है, 2-2.5 घंटे में हो जाती है, और उससे जांच करके, एक बार में 2 जांच लगती है, उससे जांच करके हम अपने सर्जिकल केसेस के बारे में निर्णय ले सकते हैं कि हमारा ये जांच रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो इमीडिएट हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे अस्पताल के लिए। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या आपने सर्जरी शुरू कर दी है। हम लोगों ने बताया कि हाँ सर, हम लोगों ने सर्जरी आपके निर्देशानुसार शुरू कर दी है, न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सर्जरी विद ऑल प्रोटेक्शन ऑफ देयर सर्जन और उनके स्टाफ करने की अनुमति दे दी है। करीब करीब 450 सर्जरी प्राइवेट में भी हो चुकी है और जिला अस्पताल में भी सर्जरी हो रही है। हमारे महिला अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन लगातार हो रहे हैं, 2-250 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं और वहाँ भी सारे प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं।